Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है और कई बार महिलाओं के जेहन में ये ख्याल भी आता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। तो इसका जवाब गरुड़ पुराण में दिया गया है और गरुड़ पुराण के मुताबिक मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इंद्र का पाप भोगती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र ने गुरु के वेश में आए एक राक्षस का अंत किया था, जिसके बाद उन्हें गुरु की जान लेने का पाप लगा था। उस पाप को कम करने के लिए उसे नदी, धरती, वृक्ष और महिलाओं में बांटा गया। महिलाओं के बीच वो पाप पीरियड के रूप में सामने आया। पीरियड के दौरान महिलाएं अछूत मानी जाती हैं, साथ ही साथ उन्हें काफी कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। वो इस बीच न तो वो कुछ काम करती हैं और न ही घर से बाहर ही निकलती हैं। पहले के समय में महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान अलग व्यवस्था की गई थी, तब तो उन्हें इस दौरान छूना भी वर्जित था। महिलाओं को सातवें दिन तक किसी भी देव और पितृ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन चौथे दिन से वो स्नान आदि के बाद घर की रसोई संभाल सकती हैं और दूसरों को छूने लायक मान ली जाती हैं। वहीं गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति गर्भवती महिलाओं या फिर मासिक धर्म से पीड़ित महिलाओं का अपमान करता है, उसके साथ गलत बर्ताव करता है, ऐसे लोगों को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान महिला पहले से ही काफी परेशानियां और दर्द झेलती हैं। ऐसे में अगर पति अपनी पत्नी के साथ रिश्ता बनाए तो इसे महापाप माना जाता है और नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.